जिला अधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में जिला खेल प्रोत्साहन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान जिला अधिकारी ने खेल अधिकारी से जानकारी ली कि स्टेडियम में खिलाड़ियों को खेलने के लिए स्टेडियम में क्या क्या व्यवस्था है, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि स्टेडियम में खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए कोच नहीं है। जो कोच थे उनका समय मार्च में समाप्त हो गया, जिस पर जिलाधिकारी ने स्टेडियम में 4 कोच देने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक कमेटी बनाकर ऐसे खिलाड़ियों को ट्रेन करें जिसकी रुचि केवल खेल में हो, उसका हर 15 दिन पर बैठक करके उन्नति के बारे में समीक्षा करें, क्योंकि अब बच्चों का एग्जाम खत्म हो चुका है, अब ज्यादा छात्र स्टेडियम में जाकर प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए छात्रों को अच्छा प्रशिक्षण दें जिससे कि वह खेल में अच्छा प्रदर्शन करके जिले व प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। इस अवसर पर SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नहीं आए सर और CA साहब की तरफ से भी नहीं आ पाए थे। और सर उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र से आए और DMO साहब की तरफ से आए हैं, अपर शिक्षा अधिकारी तरफ से नहीं आए हैं, समाज कल्याण अधिकारी नहीं आए, शिक्षक से आए हैं और सर MN और अधिशासी अभियंता नगर निगम। हाँ, तो जो नहीं आए हैं जिनकी जिम्मेदारियाँ किसकी आपकी तरफ से, वो आप कम्युनिकेट करेंगे उनको, राइट सर? ठीक है, कोरम पूरा है तो शुरू करें। अंशकालिक हमारे यहाँ कोचेज रखे जाते हैं, क्योंकि जब स्टेडियम होता है तो उसमें बिना कोचेज के हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, एक तो हमारे निदेशालय स्तर से हमको कोचेज उपलब्ध कराए जाते हैं, कि भेजते हैं उसके अनुसार वो हमको कोचेज दे देते हैं। पिछले साल हमको 4 कोचेज मिले थे सर, और बाकी कोचेज सर आपने हमको दिए थे, 9 कोचेज आपने दिए थे स्पोर्ट्स प्रमोशन कमेटी से, इसलिए हमारे सभी खेलों में कोचेज पूरे तक कैंप चलाए गए। अब सर इनको फिर आगे पढ़ाई जाने के लिए जरूरत है, क्योंकि 1 महीने का हमने ब्रेक दिया था, क्योंकि परीक्षा का समय होता है उसमें बच्चे आते नहीं है इसके लिए। अब फिर बच्चे आने लगे हैं, तो इस महीने से हम फिर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमें जिन खेलों में हमारे कोचेज रहे हैं उन खेलों में हमको फिर से कोचेज प्रमोशन कमेटी के माध्यम से, वो तो होना ही है सर, सभी को किसी को आपत्ति उसमें नहीं होगी, कोई आपत्ति तो बता सकते हैं, लेकिन ये रहा जैसे बहुत सारे रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहा, तो उनके बारे में हमने उनको कह दिया है, चेतावनी भी दे दी है कि भाई अगर नहीं आएगा तो कंटिन्यू करेंगे। रिन्यू करें सर, मेरा तो ये जैसे आप समिति निर्णय ले, लेकिन मैं सर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा से, क्योंकि हो सकता है हमको अच्छे कोचेज और मिल जाएं, काफ़ी मिल जाएं, क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो NIS की है, जो NIS स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 1 साल का रेगुलर कोचिंग कोर्स करके आते हैं, वो लोग अच्छा कोचिंग करते हैं और उनको इसमें एक कमेटी बनाते सर जो दक्षता प्रमाणीकरण और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करेगा सर, किसी को फ्री राइड नहीं दे सकते, राइट सर? तो सदस्य सचिव आप रहेंगे, अध्यक्षता CDO साहब करेंगे, और सभी जो खेल मेधावी हैं यहाँ पे, जैसे हम कमेटी में उनको उस कमेटी में रखेंगे, 4-5 लोगों की कमेटी होगी खेल विशेषज्ञ, तो जो पिछले साल ठीक ठाक परफॉर्मेंस है वो कर लेंगे। और वित्त पोषण पैसा है ना, पैसा इस समय 14,08,000 रुपये हमारे से कराते रहिए, पैसा आता रहे, राइट सर? थैंक यू सर, वो तो कराते हो गया है। पिछली जो सर 27 वहाँ पे कौन से खेल का बैच चल रहा है, मतलब शुरू होगा? हमारे यहाँ सर एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स के इक्विपमेंट है सर, टोटल इक्विपमेंट हमने जब आए थे सब मंगा लिए थे सर, आपके आते इक्विपमेंट और कोच दोनों है। कितने बच्चों को एथलेटिक्स की ट्रेनिंग हो रही है सर? कम से कम भी 50-60 बच्चे हैं। 50-60 बैच, सबके सिलेक्शन कैसे हो रहा है? सिलेक्शन की प्रक्रिया एडमिशन लेते हैं सर, उनको मेरिट क्या यस, उनको टेस्ट ट्रायल लेते हैं उनका। मुझे वो लड़के चाहिए जो यहाँ पे रियली टैलेंटेड हैं और वो सीरियस हैं इस बिजनेस सर, ये नहीं होना चाहिए कि टाइम पास के लिए सर्टिफिकेट के लिए कोई आगे नहीं। तो जो बेस्ट लड़के हैं जिनको इंटरेस्ट है, उसका जो एंट्रेंस कराना है आपको सर, फिजिकल टेस्ट कराना है, ये कमेटी जो हम लोग ये कमेटी, लेकिन मैं तो 1 महीने में 2 महीने में 1 बार बैठ सकता हूँ सर, रोज थोड़ी बैठ सकता हूँ, तो ये कमेटी रेगुलरली बैठे, हर 15 दिन में 1 बार बैठे और रेगुलरली इसको रिव्यू करें कि क्या हो रहा है। जैसे एथलेटिक्स है तो उसमें पता है बच्चों का कैसे चल रहा है, वही मौके पर वही लीजिए मीटिंग सर, लीजिए ठीक है, SDM और जॉइंट मिनिस्टर को लगा दीजिए, ठीक है, इनको जोड़िए, इनके जुड़ने से बाकी चीजें आपको जुड़ जाएंगी सर। एथलेटिक्स हो गया, फिर बॉक्सिंग,
बॉक्सिंग में कोच ठीक है? हाँ, बच्चे कितने प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? बहुत आते हैं मेरे ख्याल से, कम सब में बच्चे, जो संख्या है हमारे पास सब में निर्धारित संख्या 40 है, उसको 1000 भाई बॉल लगवा दीजिए। बॉल लगे हैं सर, सब कुछ बॉल बने हैं, वो वॉलीबॉल तो होना ही चाहिए जी, होता है वो होता है, बस बॉल की रिक्वायरमेंट थी। आप लीजिए ठीक है जी सर। और जो वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, और बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, रेसलिंग, बॉक्सिंग, हां रेसलिंग, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, बैडमिंटन, और बैडमिंटन तो सेटअप हो गया पूरा, तो की मॉनिटरिंग करिए आप, या असिस्टेंट करना बताइए सर, मैं आपसे वो तो सारा चीज औपचारिकता तो हो गई ना, सब हो गया। क्रिकेट पिच का वी आर वेरी थैंकफुल सर, आप सभी लोग शुक्रिया करते हैं। अरे क्रिकेट क्रिकेट होता है, क्रिकेट का जो विकृति हुई थी उसका क्या हो रहा है, निर्माण जो हो रहा था वो अभी नहीं हुआ सर, उसके लिए मैं लेटर लिखवाऊंगा, और मैंने वो लेटर को दिया था एक्शन आरएस, क्यों नहीं कर रहा ये, जैसे मैंने 2-3 बार को लेटर भी लिखा, लेटर नहीं होता है आप।